नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज का ये वीडियो होने वाला है वर्कआउट से रिलेटेड। बहुत सारे भाइयों के जो कमेंट आ रहे थे, भैया वर्कआउट पे वीडियो कब आएगा, तो मेरे भाई ये वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो में बहुत से भाइयों के सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि भैया हमें कौन कौन से वर्कआउट करने चाहिए, मैं कौन से वर्कआउट करता हूँ ब्रह्मचर्य पालन में, और क्या ब्रह्मचर्य पालन में जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो इससे मुझे बेनिफिट मिला, और कौन सी सबसे ज्यादा असरदार एक्सरसाइज है ब्रह्मचर्य, कहते हैं ना ब्रह्मचर्य एक्सरसाइज कौन सी है भैया, ऐसे भी कुछ सवाल आए। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बारीकी से बात करने वाला हूँ। बहुत से भाई कहते हैं भैया वर्कआउट में बिल्कुल मन नहीं लगता, उनका कहना ये भैया हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं लेकिन वर्कआउट में मन नहीं लगता है, वर्कआउट का समय ही नहीं मिल पाता है, तो क्या अगर मैं वर्कआउट ना करूं तो क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूंगा? मतलब कि अगर मैं वर्कआउट ब्रह्मचर्य पालन में नहीं करूं तो क्या मेरा ब्रह्मचर्य सफल होगा या नहीं होगा? सीधी तो सीधी सी बात है, सब समझाऊंगा अच्छे से, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है मेरे भाई? कमेंट करो ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो पूरा देखो। जो भाई अभी वर्कआउट की शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत कैसे करेंगे और कौन कौन से वर्कआउट करना है, सब कुछ समझा रहा हूँ बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से देखो मेरे भाई, आप आज की डेट में YouTube पे सर्च करेंगे वर्कआउट वीडियोस, या किसी भी बड़े जो ट्रेनर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर यूट्यूब पे हैं, आप जानते होंगे, और भी सब जो है अपने वर्कआउट्स में बताते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करें, कितने सेट्स लगाएं, कितने रेप्स लगाएं, और भी बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे नए नए टैलेंट यूट्यूब पर आते जा रहे हैं, जो कि आपको नए नए तरीके बताएंगे, नए नए नुस्खे बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को, नए नए तरीके बता रहे हैं, नए नए वेरिएशन, नए नए तरीके कि इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की है तो उसकी 10 प्रकार की एक्सरसाइज बाइसेप्स की होंगी, और नए नए तरीके आते जा रहे हैं, ट्राइसेप्स हो, बाइसेप्स हो, बैक की हो, तुम्हारा वेट लिफ्टिंग को लेकर हो, या और भी नए नए तरीके जो नए नए ट्रेनर्स आ रहे हैं, वो नए नए तरीके अपने अपने सब बता रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझ। अब हो क्या रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति वर्कआउट वीडियोस के बारे में बात करना चाहता है, या वर्कआउट की वीडियो देखता है, या किसी एक को फॉलो करता है, तो वो पाता है कंफ्यूजन में होता है। वो एक के वीडियो देखेगा, दूसरे के वीडियो देखेगा, तीसरे के वीडियो देखेगा, वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ये इसकी सुनूं या उसकी सुनूं या खुद की सुनूं। भैया क्या कर, मोटिवेशन थोड़े दिन का किसी को देख लिया, वर्कआउट किया थोड़े दिन का मोटिवेशन, फिर वही सब भूल भाल गए, फिर मास्टरबेशन करने लग गए, या फिर किसी के ख्यालों में खो गए, या घर में कोई परिस्थिति बिगड़ गई, टेंशन आ गई, फिर मास्टरबेशन कर बैठे और वर्कआउट भूल गए। कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, आप जानते हैं, मैं रिलेटेबल रिलेटेबल बात ही करूंगा यहाँ पर, जो हमारे भाइयों के साथ होता है। अब समझना जरा बात को, मैं जो ब्रह्मचर्य का पालन जो मैं कर रहा हूं, अब मैं कौन कौन से वर्कआउट करता हूं आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिप। मैं जो है पर्सनली, देखिए मैं कोई बहुत सारे वर्कआउट नहीं करता, ठीक है? मेरा बस एक सोच ये रहती है कि अपने शरीर को थकाना है, ठीक है? ब्रह्मचर्य में शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हमें व्यस्त रहना होता है। मेरी बात समझना, ब्रह्मचर्य में शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे व्यस्त रहना होता है, व्यस्त रहना होता है। अब शारीरिक व्यायाम हम 24 घंटे 15 घंटे तो नहीं कर सकते भाई, और भी काम है, घर के काम है, पढ़ाई लिखाई के काम है, लेकिन हमारा जो दिमाग है इसको हमें व्यस्त रखना होगा। साथ में वर्कआउट का एक सही समय देना होता है, जैसे कि मैंने कहा वर्कआउट हम 15-16 घंटे तो कर नहीं सकते, मुश्किल से एक घंटा, आधा घंटा एक प्रॉपर उसमें से हमें समय निकालना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, एक घंटा मैं करूंगा सुबह शाम या दिन या रात, जो भी समय है। अभी समय को लेके भी कंफ्यूजन होता है कि सुबह करें कि शाम को करें कि रात को करें, खाना खाके करें कि खाना पहले खाने से पहले करें कि खाना खाने के बाद करें। सुनना जरा ध्यान से, तो अब जो मैं करता हूं मैं आपको बताता हूं, बाकी जो मेरे भाई जिम जाते हैं उन्हें तो खैर अच्छे से पता ही होगा, मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, जो जिम जाते हैं भैया जिनकी बॉडी वगैरह है उनको तो अच्छे से पता ही होगा कि भाई ब्रह्मचर्य में अगर आप जिम जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, अच्छी बात है, जाइए एक घंटा अपने शरीर को दीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना? सीधी बात, जो भाई जिम जा रहे हैं बिल्कुल जाइए। बात आती है जो भाई जिम नहीं जा रहे, घर पर, मैं जिम नहीं जाता। अब मैं पर्सनली, आप यहां पर देख सकते हैं, मैं जो है पुशअप्स, सबसे पहले तो पुशअप जो है, साथ ही साथ पुशअप के साथ राममूर्ति दंड, हिंदू दंड, इनकी प्रैक्टिस जरूर करता हूं। यानी प्रैक्टिस नहीं, मतलब कि एक प्रकार से धीरे धीरे आगे, मतलब उसको हम प्रैक्टिस ही कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमें करना है। देखो हालांकि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूं ठीक है अपनी जगह, अच्छे से मैं अपने आप को तोड़ देता हूं, शरीर पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है हम एक ही तरह की एक्सरसाइज बार बार नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा मुझे जो मेरी फेवरेट है वो हिंदू दंड है, राममूर्ति दंड है, पुशअप्स है, ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है, लेकिन हमेशा मैं इनको नहीं करता। जैसे कि हम लगातार एक ही तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो एक तरह से की एक ही तरफ का बैलेंस बनता है, समझना बात को। अगर पुशअप करने वाला व्यक्ति, ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अगर एक साल से लगातार पुशअप कर रहा है और वो एक बार में 200, 300 या सेट में लगा लगा के 500 पुशअप कर देता है,
अगर आप उससे कहेंगे कि भैया जाके पुलअप्स करो, पुलअप्स करो, तो यकीन मानिएगा मुश्किल से शायद वो 20 से 25 ही कर पाएगा। समझ रहे हो? यानी कि एक बैलेंस नहीं बन पाता, यानी कि एक ही तरह से बॉडी को ट्रेन करना, एक कंडीशन ये है कि एक ही तरीके से। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, अभी बहुत से ऐसे कुछ वायरल हुए भाई हमारे वायरल हुए थे जो कि लगातार 3,000-4,000 सेट्स लगा लेते हैं देसी दंड के, इनके तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो कोई मजाक नहीं है, बहुत मेहनत लगती है उसको करने में। लेकिन अगर उसी के साथ हम दूसरी चीजें भी ट्रेन करें तो उतना ही अच्छा हमारे शरीर के लिए होता है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि पुशअप और राम मूर्ति दंड ये मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं इसे हमेशा नहीं करता। ठीक है, मैं एक बार में पुशअप कितनी कर सकता हूं? मैं एक बार में लगभग 50 से 60 पुशअप कर सकता हूं एक बार। अगर चाहूं थोड़ा सा और अपने आप को यार और आगे, लेकिन नहीं, मैं एक बार में इतना करता ही नहीं। हालांकि 50-60 में कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं लगभग 30 ही करता हूं, 30। बिल्कुल सही सुन रहे हो। उसकी वजह कि हमें जल्दबाजी में, भाई ऐसा नहीं कि बस फटाफट फटाफट कर ली और हो गया, पूरा कनेक्शन है, कनेक्टिविटी बनाओ माइंड से, मतलब माले साथ पड़े कि माइंड में कुछ और चल रहा है भैया, कहीं और की थिंकिंग चल रही है और इधर लगे हुए 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे नहीं, भले 30 लगाओ लेकिन पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, माइंड में, माइंड का भी कनेक्शन आपके उधर होना चाहिए कि शरीर में, कि भाई ये जो मैं कसरत कर रहा हूं मेरी बॉडी बन रही है, पूरा कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी होना चाहिए, इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए आपका। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये, और साथ में जो डंबल वगैरह मेरे पास 8-8 किलो के डंबल्स हैं और कुछ प्लेट्स भी हैं, तो उनका उपयोग मैं करता हूँ। कुछ शोल्डर वगैरह की एक्सरसाइज हो गई, शोल्डर प्रेस वगैरह, बाइसेप्स वगैरह, तो मैं इनको ज्यादा एक्सरसाइजेस को ज्यादा करता हूँ, बाइसेप्स की हो गई, ट्राइसेप्स की हो गई। हालांकि पुशअप्स और राम मूर्ति दंड जो हिंदू दंड वगैरह करते हैं उनके बैक भी बन जाएंगे, चेस्ट भी बन जाएंगे और उनके ट्राइसेप्स भी बन जाएंगे। सच बता रहा हूं, अगर आप ये एक्सरसाइजेस करोगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे करोगे, तो यकीन मानो ये ऑटोमेटिक आपका बनेगा, बनेगा आपको। ये हमारी देसी दंडे रहेंगे जो पहले के समय में करते थे, कुंभक प्राणायाम, आपने कुंभक प्राणायाम हो गया तुम्हारा, कुंभक के साथ कसरत करना, यानी कि सांस भर के बिल्कुल धीरे 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 कुंभक के साथ किया जाता है। हालांकि कुंभक के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप उसका ट्राई कर सकते हो, मैं भी ट्राई करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, एक या दो ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल एक फॉर्म में उसको किया जाता है, तो आप कर सकते हो। उस पर कभी हम और एक और वीडियो लेकर आएंगे, उस पर हम कुंभक व्यायाम के ऊपर बात करेंगे, प्राणायाम के भी ऊपर और व्यायाम के ऊपर, दोनों को साथ में लेके आएंगे, इस पर हम अलग से बात करेंगे। कुंभक एक अलग विधि है, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्कआउट के ऊपर, तो देखो वर्कआउट एक मतलब एक ऐसा कि देखो मेरे भाई, आपको ज्यादा ऐसा नहीं कि आप बहुत लोड ले रहे हो अपने ऊपर कि अरे यार वर्कआउट करना पड़ेगा, बोरियत, अरे लेकिन ब्रह्मचर्य कर रहा हूं करना तो पड़ेगा, ऐसा तो भाई वो क्या काम का। आपको किसी भी चीज को करने में ना, देखो खासकर जब हम वर्कआउट की बात करते हैं, आपको उसमें मजा ढूंढना है, मजा आना चाहिए। हमने अभी तक बहुत मजे देखे, चाहे वो मोबाइलों पे हो, वैसा ऐसा, इसमें बड़ा आनंद आया, लेकिन हमें जो कर रहे हैं हमें उसमें भी आनंद देखना है। हम फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, मेंटली कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमें उसमें भी आनंद ढूंढना है। मेरी बात समझना, खुद एक आनंद देखो कि हाँ यार ये मुझे करने के बाद बड़ा आनंद आता है, ये चीज है। ठीक है, अपनी थोड़ी जान लगाओ कि यार ये चीज करनी है, ये चीज हमें करके दिखाना है। तो ऐसे ही मैं भी जो है, उठक बैठक हो गई, दंड बैठक, तुम्हारा पुशअप्स हो गई, राम मूर्ति दंड हो गई, हिंदू दंड हो गई, तुम्हारे बाइसेप्स हो गए, बस यही सब एक्सरसाइजेस करता हूँ। इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं, बाकी थोड़ी बहुत फोरआर्म्स की एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ। ठीक है ना, फोरआर्म्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, अगर आप फोरआर्म्स के ऊपर एक वीडियो चाहते हो, मतलब चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। काफी थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन आज भी मैं उसकी कोशिश पूरी करता हूँ, आज भी वही काम करता हूँ जो उस समय कर रहा था, कुछ बदला नहीं है मैंने, मेरा एक ही रूटीन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी देखिए, जो भाई कहते हैं कि भैया मुझे ब्रह्मचर्य पालन में वर्कआउट का मन नहीं करता, तो देखो वर्कआउट तो जरूरी है, लेकिन अगर आपकी गतिविधियां कुछ ऐसी हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको समय ही नहीं मिल पाता है, आप बहुत बिजी हैं, तो मेरे भाई सुबह जल्दी उठ के योग, प्राणायाम और रनिंग जरूर कर लो, या रनिंग नहीं तो वॉकिंग जरूर कर लो यार, भले 15 मिनट से, तो ये अच्छा रहेगा। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल समय नहीं मिल पाता, और जिनका मन कि भैया यार क्या बिना वर्कआउट ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अपने कह रहे ना मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा आपको व्यस्त रहना होगा, बिजी रहना होगा, तब जाके बात बनेगी भाई। ठीक है ना, और क्या है कि श्रम मांगता है शरीर, है तो भाई ये श्रम एक करना तो पड़ेगा यार। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं, अगर आप वर्कआउट वगैरह के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं जो भाई हैं, तो वो रनिंग वगैरह करें। बाकी मेरे भाई देखो, पुशअप आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी घर में ईट या थोड़ा वजन बना के कुछ भी बाइसेप वगैरह कर सकते हो। उठक बैठक करने में क्या रखा है, ये खड़े हुए सीधे ये उठक बैठक हो गए, कोई इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, सही स्टेप क्या है, गलत स्टेप क्या है, फलाना फलाना फलाना, उलझ जाओ। मेरी बात समझ रहे हो, बहुत उलझ जाओगे अगर आप अभी भी जाओगे या आप सर्च करोगे कि भैया हम स्क्वाट्स कैसे करें, यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, आप किसी भी एक की वीडियो को देख के स्क्वाट कैसे करें उसको बराबर देख लो एक बार, बस उसी को करो, उसी पे फोकस करो, अपनी बढ़ाते जाओ कि आज 10 करी, 15, 20, 25 ऐसे बढ़ाते जाओ, ऐसे पुशअप्स भी।
बात समझ रहे हो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हिंदू दंड, राम मूर्ति दंड, ये आप बिल्कुल करिए, ठीक है। मैंने इसके बारे में कहा वीडियो भी बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। दो चार वीडियो हैं जो मैंने बना रखे हैं पहले भी, आप उनको जाकर देखें, आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। बाकी इतना कोई परेशान या लोड लेने की जरूरत नहीं। हम लोग लोड बहुत ले लेते हैं और लोड के चक्कर में फिर वो होता यह है कि वो चीज हम कर ही नहीं पाते। मेरी बात समझ में आई? तो ये चीजें ध्यान रखो। बाकी हाँ देखो, वर्कआउट जो है आप चाहे तो सुबह के शाम भी कर सकते हो अगर आपके पास समय हो तो। समय देखो, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ, जैसा समय मिले, जहां तो मैं लगे कि मुझे यहाँ पे कम से कम 2-4 घंटे का आराम है तो 1 घंटे मैं अच्छे से जो है वर्कआउट कर लेता हूँ। और आप घर पे भी कर सकते हो, ये चीजें मैं घर पे ही कर रहा हूँ काफी टाइम से। और यकीन मानो, ब्रह्मचर्य पालन में वर्कआउट जब मैंने किया तो शरीर में ताकत आ गई भैया, खाना पीना शरीर में लगने लग गया, लगने लगा कि अब कुछ जान है। एक समय था कि हड्डियां दिखती थी ऊपर से नीचे तक। अब मैं उस समय की कुछ ज्यादा मेरे पास वीडियो या फोटोज है नहीं, फोटो है भी तो हालांकि मैं दिखा देता हूँ, लगाता रहता हूँ, आप देख रहे होंगे। और भी उस समय अगर वीडियो वगैरह होती ना तो आपको बिल्कुल कहते कि यार ये भाई और अभी कितना मतलब अंतर है। हालांकि अगर आप अभी भी जाएंगे 2022 की मेरे कुछ वीडियोस देखेंगे, जब मैंने शुरुआत की थी मेरे चैनल की, एक आध वीडियो जो नाइटफॉल वगैरह बनाए थे, आप मुझे जाकर देख सकते हैं, आपको खुद बहुत अंतर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य से काफी बदलाव आया है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्कआउट ये व्यायाम एक भूमिका निभाता है, ये ब्रह्मचर्य के स्तंभ है, तो आपको करना चाहिए। बाकी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई सीधी बात है, दंड करो, ठीक है, दंड बैठक करो, अच्छे उठक बैठक करो, बढ़िया, ठीक है। मैं अब ये कोई एप्स वगैरह के वर्कआउट में नहीं करता भैया, बिल्कुल नहीं करता। मैं सिर्फ लेग्स के, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, और ट्राइसेप का काम तो ऐसे ही हो जाना है, बाइसेप ट्राइसेप्स का जो पुशअप लगाते हैं, हिंदू दंड वगैरह लगाते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत जो मेरे पास हैवी कुछ है उनसे मैं थोड़े डंबल वगैरह जो है मेरे पास उससे मैं थोड़ी बहुत शोल्डर प्रेस वगैरह कर लेता हूँ, बस यही मेरा नॉर्मल। इसी में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन कर दिया, महीना भर कर दिया, छोड़ दिया, नहीं, एक फोकस के साथ धीरे धीरे भैया करते चलो, उसी में अपना बेस्ट देते जाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। बाकी घर का खाना खाओ, मैंने अभी डाइट पर एक वीडियो बनाया था मैं अपना ब्रह्मचर्य डाइट पे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने बनाया था, तो बस वही खाना खाओ, प्रोटीन वगैरह चाहिए, राजमा खाओ, तुम्हारा दालें खाओ, सब्जी खाओ मन में। और देखो क्या प्रोटीन मेरे भाई, तुम बस एक चीज याद रखो, मुझे मेहनत करना है, घर का खाना खा रहा हूँ, मेहनत का अपने माप की मेहनत की रोटी जो भी खा रहा हूँ खुद मेहनत कर रहा हूँ, जो भी है फालतू पैसा इन्वेस्ट मत करो, जो है खाओ पियो और मस्त रहो और जम के मेहनत करो। क्या प्रोटीन की, प्रोटीन मिलेगा तो ही बॉडी बनेगी, ऐसा हटा। मैं जो खाऊंगा मेरी बॉडी बनेगी, मैं घर का शुद्ध खाऊंगा मेरी बॉडी बनेगी, मैं शुद्ध खाना खाता हूँ घर का मेरी बॉडी 100% बनेगी, पॉजिटिव माइंड रखो। और यही मैंने किया है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ ऐसा नहीं कि मैं ये ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ जमाने भर का ये वो ये कुछ नहीं भाई, दूध लेता हूँ, दही लेता हूँ, घी लेता हूँ, बस जम के मेहनत करता हूँ, ठीक है। कोई मेरा हाथ पर कुछ ज्यादा ऐसे देखो कोई फूले फले नहीं है, नॉर्मल है जैसे होने चाहिए। आप ये देख रहा हूँ, ये देखो ये शर्ट में से दिख रहा है डोला खोला कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है थोड़ा कुछ, ये देखो बस ये इतना ही, ये बस ये भैया इसी में खुश है। मुझे नहीं चाहिए कुछ भारी भरकम या कुछ ऐसे, जो है जैसा है ठीक है। मुझे पता है मैं किस दलदल से बाहर निकला हूँ और आज आवाज हो गया, मुझे पता है आप अपनी परिस्थिति ज्यादा अच्छे से जानते हो, उसमें संतुष्ट होना सीखो, ठीक है मेरे भाई। बाकी बस जो एक्सप्लेन करना था मैंने इस वीडियो में आपको किया। बाकी आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।